जो हमारे गणित सर हैं, जो हमें सुनने का अवसर कम मिलेगा, उनकी जितनी भी हम प्रशंसा करें वो बहुत कम है, हमारे लिए वो बहुत ही अमूल्य सर हैं। ये जो खुशी का पल है, जैसा कि हमारे हमसे दिवाली से पता चला उनकी पोस्टिंग भी आ चुकी है, तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि भी उनके बारे में नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि जितना भी बातें उनके बारे में हम करें बहुत कम है। तो अब जो बचा कितना समय है इस कार्यक्रम का, हम आदरणीय अंजय सर को सुनना चाहेंगे कि आमंत्रित हैं हमारे आदरणीय अंजय सर। आज वैसे तो पता नहीं मन कैसे विचलित हो रहा है, ये मेरे को नहीं पता। आधी खुशी है तो आधे दुख कैसे लगता है। और मेरे जीवन में मैं आप लोगों को पहले भी बोला था, ना तो कोई स्वागत कार्यक्रम होता था, ना मेरा कभी विदाई कार्यक्रम होता था, लेकिन कुछ दिन के लिए उन्होंने आज ही का दिन चुना। अपनों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है, पहली बार मैं बोल रहा हूँ अपने आप के लिए, मैं बहुत ही ज़्यादा कठोर प्रवृत्ति का इंसान, मेरे मन में जल्दी से कभी आनंद नहीं आती है, ना कभी निराशा जल्दी नहीं आती। लेकिन आज पहली बार ऐसे हुआ कि विदाई समारोह को देखकर आपका जो प्यार मेरे लिए झलका और मेरे लिए जो सम्मान झलका, उसके लिए मेरा ये बचपन का दिल भी रह गया। और वहाँ से जो आंसू निकला वो सीधा मेरा आंखों से ही टपक गया। पहली बार ऐसा हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे माता पिता, मेरे गुरुदेव और ईश्वर की कृपा से सबसे मेरे प्राणों से भी प्यारा तुम ही जरूर, क्योंकि तुम ही लोग जब तक हो तभी तक मैं कुछ नहीं हूँ। जब तक मैं रहा यहाँ पर तब तक मैंने अपने कर्तव्यों का पालन किया, और आप लोगों को एज ए टीचर जो शिक्षा देनी चाहिए थी मेरे को, चाहे आप लोगों का टीचिंग के फील्ड में हो, चाहे आपको मोटिवेट करने के ढंग से हो, क्योंकि MSc एक ऐसा पेज होता है हमारे पढ़ाई का दौरान, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ उन चीज़ों के बारे में। तो आदमी के मन में या स्टूडेंट के मन में क्या चलती रहती है उसके बारे में भी मेरे को बहुत ज़्यादा माने कि पता है, उसीलिए मैं आप लोगों को तुरंत ही आप लोगों को रिस्पॉन्स देता रहता था। इसका मतलब यह था कि कहीं ना कहीं मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे, खास करके आप सभी, कहीं पर ऐसे आप लोगों को ना आए, ऐसे रास्ता अवरोध कैसे ना लगे जहाँ पर आप लोग रुक गए, आप लोग रोने लगे और उसके आप लोग कुछ आगे ही मत बनने का प्रयास करते रहो। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को अपने टीचिंग शैली में ये भी आप लोगों को मोटिवेशन करने का काम करता था। देखिए आप लोग हमें भी हार मत मानो, चीज़ें होती हैं, MSc आप लोगों की थोड़ी टफनेस तो होती है, लेकिन आप लोगों को मैं बोला करता हूँ जितना आप लोग इस दो पर मैं बदलो या अपने आप को उतनी ज़्यादा आप लोग थैंक यू करते हैं। आप लोगों से ज़्यादा हमने कभी भी समझी थी हमने आवेदी के दौरान, और आप लोगों को मैंने आज तक एक छोटा सा भी चीज़ आप लोगों को छुपाया नहीं था, यहाँ तक कि मेरे एक छोटी छोटी चीज भी तुम लोगों के ऊपर मैंने शेयर की है। ये आप लोगों को पता है, तुमने मेरे जितना बायोडाटा आप लोगों ने कलेक्ट किया है, साथ ही किसी ने जानता हुआ मेरे को खुद भी ये पता नहीं थी। और जो भी है आप लोग को मैंने सर्वस्व देने का प्रयास किया। इस विभाग को आने से पहले दिन था 13 अक्टूबर 2018, बात चल रहा था 12 अक्टूबर 2018 की, जब कमोडी सर जी ने मेरे को कॉल किया पहली बार कि तुम्हारा पोस्टिंग इस जगह पर हो गया, अतिथि व्याख्या के पद पर पानी शास्त्र विभाग। तो मैं उतने समय खुले नहीं समाया, अब तुरंत जाके पापा मम्मी के साथ बैठा, क्योंकि तुम लोगों को पता भी है कि मैं 5 साल का एक वक्त का बच्चा हूँ, लड़का हूँ, और मम्मी पापा का लाडला भी हूँ, क्योंकि मैं सिंगल हूँ, ये नहीं आप लोगों को पता है, ठीक है। तो मैं किसी भी चीज़ को अपने मम्मी पापा से छुपाता नहीं, यहाँ तक कि मैं किसी से छुपाता भी नहीं था। तो उनको बोला तंबोली सर जी ने फोन किया था, कॉल किया था कि मेरा डिग्री वाले का सिलेक्शन हो गया है तो मैं कल जाऊँ, तो कुछ आदत भी है क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रही है। तो उन्होंने एक शब्द कहा था मम्मी पापा दोनों बैठ के कि भाई तू तो सोचता है हमारे बारे में, अपने मम्मी पापा के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने समाज के बारे में,
तू वही सोच रख के तेरा डिग्री कॉलेज में जा प्रस्थान कर। तू अपने जो गुरुदेव रहेंगे अपने पापा का झलक देखना, जो मैडम रहेंगी अपने मम्मी का झलक देखना, अपना बच्चे जो रहेंगे अपने बच्चे पूरी दिमाग से जो करेगा तेरा मन से करना, तू चाहे जो हो जाए देखा जाएगा। बस यही प्राण के साथ उसी आदत के साथ मैं यहाँ विभाग में आया था, इसलिए मैंने कभी भी ऐसे मेरे मन से कभी भी अनुचित कार्य नहीं किया जिससे मेरे विभाग को मेरे विभागाध्यक्ष श्री कम्बोली जी को कुछ खेत पहुँचे। मैंने हर संभव प्रयास किया कि मेरा विभाग भी आगे की ओर बढ़े, अपने डिग्री कॉलेज चाहे नेट का काम हो चाहे कुछ भी काम हो मैंने वहाँ पर पार्टिसिपेट लेके अपने तौर पर तरीके से मैंने वहाँ पर काम किया। तो ये और ये जो आप लोगों ने प्यार करता है इसके लिए तो मेरा जीवन बहुत ही छोटा है। मैं आप लोगों को किस तरीके से आप लोगों को धन्यवाद प्रदान करूँ ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और लगा कि तीन चार साल के दौरान में जो पूंजी कमाई है वो आज मेरे को मिल गई आप लोगों को। मेरे को ये नहीं लगा था कि मेरे को आज बीएससी वाले से जानेंगे कि आज मेरा यहाँ लास्ट होने वाला है। पता है कहाँ से आगे उन्होंने भी मेरे को सेलिब्रेट किया। बहुत अच्छा लगा कि मैं आप लोगों के विद्यार्थियों से इतना ज़्यादा परिचित हुआ। आप ही लोगों ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, जाने अनजाने मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखा हूँ, विभाग से भी बहुत कुछ सीखा हूँ मैंने, मैम लोगों से सर से स्पेशली मैंने बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर सीख के गया। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा, कंपेयर करते हैं इंसान या स्टूडेंट चाहे पेरेंट्स भी हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी महान है, ऐसी बात नहीं है। डिग्री कॉलेज में मैंने पढ़ा 3 साल, बीएससी अपना कंप्लीट किया 2015 में और वहाँ एमएससी के लिए गया, एमएससी में जीजू में। तो वहाँ पर एक बार मेरे को समझ में आती थी कि वहाँ पर कुछ किसी प्रकार की नैतिक शिक्षा नहीं मिली। मैंने आप लोगों को बोला मेरे एमएससी ड्यूरेशन में कभी मैंने जन्मोत्सव नहीं मनाया, कभी भी आप लोगों का फेयरवेल नहीं पाया, कभी स्वागत नहीं पाया, जो कुछ मिला मैं डिग्री कॉलेज। और नैतिक शिक्षा के मामले में मोर देन बेटर है हमारा डिग्री कॉलेज। परिवेश में नहीं चला या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, छोटे से कॉलेज में पढ़ते हैं, बहुत बड़ा गलत बात। आप जो पा रहे हो ना वो जीजू का स्टूडेंट भी नहीं पा रहा है, ये समझ लेंगे। ये होती है आप लोगों की और जिन प्रतियों से आप लोगों ने मेरे को संबोधित किया उसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे को पहचाना और उसने सम्मान देने लायक समझा कि आप लोग परिवेश की छोटे से टाइम में। धन्यवाद। यदि मेरे द्वारा इसको भी यदि तकलीफ पहुँची होंगी तो मुझे आप लोग माफ कीजिएगा। और सर मैडम लोगों से भी बोलना चाहूँगा यदि मेरे द्वारा कुछ हुआ होगा तो मेरे को अपने बच्चे के द्वारा माफ कीजिएगा। और कुछ भी यदि होती है तकलीफ है यदि कहीं पर फिर में आ सकती हूँ तो ये अविश्वास कर। आपके प्रति भी एक प्यार हमारे सर्वस्व रहेगा, हमेशा रहेगा। तो प्लीज़ आमंत्रित करता हूँ दीपिका को बुलाएं और